हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बर्ड हाउस गार्डन के लिए। इसके लिए मैंने लिए ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल स्पैरो बेड्स और ये इस तरह से एक क्ले पॉट। जैसे यहाँ पे ऐसा होल है, इसे मैंने एक्रेलिक पेंट से वाइट कलर से पेंट किया हुआ है। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे अपने हिसाब से। हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। पूरे पॉट पे ये फ्लावर बना लेते हैं। एक्रेलिक कलर जल्दी सूख जाते हैं। हमने इसे इस तरह से कलर कर लिया है, डिज़ाइन बना लिए। अब हम इसे आर्टिफिशियल फ्लावर और ये स्पैरो के साथ डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे एक स्पैरो चिपका देते हैं। और ये एक रेड कलर की, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और एक यहाँ पे
और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह है कुछ, इसे भी हम चिपका देते हैं। फेविक्विक से ही आसानी से चिपक जाते हैं। यहाँ पे एक आइसक्रीम स्टिक चिपका देते हैं। इसे कुछ होल्ड करने के लिए वगैरह इस तरह से हुआ है कुछ। ये आर्टिफिशियल कोकोनट फाइबर जो रहते हैं अपने, कोकोनट जो निकलता है वो इसमें हम अभी इसे डाल देते हैं। और ये जो बीट्स है इसे हम एक वायर की सहायता से ऐसे ऐसे होल्ड करने के लिए पैर होने चाहिए गई, बाद में चिपका देते हैं हम इसे। और इसमें कुछ ऐसे बीट्स इस तरह से डाल देते हैं। और ये जो बाकी का वायर है वो टांगने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारी स्पैरो निकल गई थी, उसे फिर से चिपका देते हैं। इस तरह से हमने इस स्पैरो चिपका दिए और अब हम इसकी चोंच में से ये कुछ कोकोनट फाइबर जो निकली है वैसे चिपका देते हैं। इस तरह से ये हमने पूरा बना लिया है। और ये हमारे गार्डन में टांगने के लिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो
ये इस तरह से। ये इसमें अंदर हमने कोकोनट फाइबर डाल दिए और ये स्टिक्स जो लगाई है हमने चिड़िया को बैठने के लिए, कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इसका। तो फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।